अच्छा, बेसिकली वैसे लम्स का जैसे जब भी हम बात करते हैं तो एक लोगों ने बनाया हुआ कि पता नहीं, शायद बहुत ही इलीट क्लास को एक्सेस मिलती है, और वो एक हद तक सही भी है कि मेजॉरिटी जो हैं इलीट क्लास के लोग ही वहाँ पे होते हैं. लेकिन लम्स प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप्स फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स के जो बच्चे होते हैं, उनको एनओपी स्कॉलरशिप उनका है. तो उसका मुझे पता लगा था जब मैं एफएससी में थी, मेरी एक दोस्त का भाई ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहा था. इट्स अ कम्पेटिटिव स्कॉलरशिप, ठीक है, मुश्किल होता है. आपको एसएटी देना है जो कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टेस्ट है. ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में जो अराउंड द वर्ल्ड एडमिशन हो रहे होते हैं अंडरग्रेड के, उसी टेस्ट की बेसिस पे होते हैं. तो कम्पेटिटिव था, लेकिन आई गेस मेरी अर्ली एजुकेशन थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि मेरे फादर खुद टीचर थे, तो उन्होंने मुझे खुद पढ़ाया है और वो सारा कुछ हुआ. तो आई हैड अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और उस टेस्ट में बेसिकली यही दो चीज़ें थीं. तो वो अच्छा हो गया. सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए, तो मेरा एडमिशन हो गया था फुल स्कॉलरशिप पे. तो बस ये था कि मुझे जो एक स्टैंडर्ड रूट होता है कि आपने एफएससी के बाद या तो इंजीनियरिंग करनी है या एमबीबीएस करना है, लड़कियों ने तो एमबीबीएस करना है, तो वो मुझे नहीं करना था. और उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि ऐसा क्या करना है लाइफ में, लेकिन बस ये क्लियर था कि नहीं, एमबीबीएस तो नहीं करना, डॉक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं है. तो फिर लम्स का पता चला, और यहाँ की यूनिक चीज़ भी ये थी कि आप पहले एक दो साल में डिसाइड कर सकते हैं, अपना डिसिप्लिन भी स्विच कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है. तो फिर मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टेक अ चांस. तो वो किया और हो गया. तो इसलिए लॉ में फिर मैं इधर लॉ में एडमिशन ले लिया. तो लॉ को क्यों चूज किया? लॉ उन दिनों मुझे जो था, शुरू में ये था कि मुझे किसी ने बोला था कि अच्छा, लॉ की जो डिग्री है वो रिलेटिवली लम्स में आपने अगर आना है तो पहले दो साल उसके रिलेटिवली इजी होते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत लिबर्टी होती है कि आप कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं किसी भी स्कूल के. तो एक वो आपको होलिस्टिक व्यू मिलता है हर, मतलब बिजनेस साइड पे भी आप पढ़ सकते हैं, साइंस के कोर्सेज भी ले सकते हैं. तो आपको पहले दो साल में अंदाज़ा हो जाएगा आपने क्या करना है. तो वो पहले दो साल जब किए, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा उस टाइम पे सोशल एक्टिविज्म साइड पे थी कि अच्छा, मुझे डिफरेंट हकूक पे बात करनी है जो, और स्पेशली गुरबत के रिलेटेड जो मसाइल आते हैं कि अच्छा, गरीबों को एक्सेस नहीं है जस्टिस तक. तो तब मुझे एक थोड़ा सा शौक था कि मुझे जाके वो चीज़ें सॉल्व करनी है. तो आई थॉट कि एक बेटर वे यही है कि मैं उसी डोमेन में रहूं और लॉ करके फिर ह्यूमन राइट्स की तरफ जाऊं. बट वो दरमियान में थोड़ा शिफ्ट हो गया इंटरेस्ट्स और स्टार्टअप साइड पे चली गई. बट तब जब एफएससी के बाद एक वही था कि नहीं, हकूक की जंग लड़नी है तो उसमें लॉ से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है. हाउ वाज लाइक इट लाइक ग्रोइंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू टिल एफएससी, कैसा था आपका घर? ग्रोइंग अप इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन अ सेंस के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी. और आई रिमेंबर बचपन बहुत ज़्यादा उसके अराउंड था कि आप रोज़, मतलब आपको एक नई कॉपी भी लेनी है तो उस पर भी आपको 10 दफ़ा सोचना है कि अच्छा, कब पेरेंट्स से बात करनी है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, कि अच्छा, अब उनकी पे आएगी तो फिर उसके बाद ही बात करनी है कि ये नई चीज़ चाहिए. तो वो एक लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, एक डिफ़िकल्ट पार्ट था. प्लस कुछ फैमिली के इशूज़ भी थे से, उस पर मैं ज़्यादा तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन एक था कि एक आप एक वॉयलेंस के इर्द गिर्द बड़े हो रहे हैं, हर तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एंड देन वो एक गुर्बत भी है. तो वो उस तरह से इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट मुझे ऑलमोस्ट. अब आके जब मैं उस लाइफ फेज के बारे में सोचती हूँ, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ जहाज मेरे लिए, कि वो फेज़ एक जहाज था जो एक वो बच्चा लड़ रहा था कि अच्छा, हाँ, ज़िंदगी के सर्वाइवल की जंग है, कि अच्छा, कुछ करना है और यहाँ से निकलना है. तो ग्रोइंग अप इट वाज दैट कि बस वो एक लड़ाई चल रही थी इर्द गिर्द, दुनिया से भी, खुद से भी, कि बस कुछ करना है और यहाँ से निकलना है. और उस टाइम पे आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि मेरे भी, अब आप बता रही थी कि आपके जो फादर हैं वो टीचर थे, तो मेरे फादर भी टीचर हैं, तो उनका उस टाइम पे हमारा भी यही था कि लाइक मैं जब मेरा ये वाला टाइम था तो हम 500 या इस तरह का मंथली हमें मिलता था. आई वॉज़ इन अ बोर्डिंग स्कूल उस टाइम पे, सो हमारा, हमने उसी में से ये सारी चीज़ें, उसमें से अपना पॉकेट मनी और सारी स्टेशनरी की चीज़ें, ये सारी उसी में से मैनेज करनी. और ये बड़ा एट दैट स्टेज एक आपको मुश्किल, और फिर मैं आपका, आप जो बता रही हैं ना कि आपका एक स्विच हुआ फ्रॉम उधर से लम्स, वो एक मुश्किल होता है, नो डाउट कि आप स्कॉलरशिप पे होते हो, लेकिन आपने डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी तो मैनेज करने हैं. आपने एक